फ्रेंड्स, मैं सोनी मिश्रा भारत रसोई चैनल पर अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए गाजर का हलवा रेसिपी लेकर आई हूं। इसका असली स्वाद लेना है तो इसे घर पे बनाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। आधा किलो गाजर लिए हैं और आधा लीटर दूध है, इसी से मैं गाजर का हलवा तैयार करूंगी। तो सबसे पहले आप गाजर को छील लें, इस तरह से छील लें। तो ये सारा गाजर छील लिया है। अब इसको हम टुकड़ा टुकड़ा कट कर देंगे। इस तरह से सारा गाजर को कट कर दें। इसको आप छोटा छोटा टुकड़ा करें, क्योंकि इसको मिक्सी के जार में हम पीस लेंगे और दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा हमको महीन नहीं करना है। गाजर को हम बारीक काट लिए हैं, अब इसको हम पीस लेंगे मिक्सी के जार में। पीस ले, ये देखिए ना महीन है और ना मोटा है। और कढ़ाई गरम होने दे दें। कढ़ाई गरम हम कर लिए हैं। अब इसमें आप 2 चम्मच घी डालें। और मैं बहुत ही आसान तरीके से ये बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। घी गरम होने दें। तो घी हमारी मेल्ट हो गई है और इसमें आप ये गाजर जो है, पिसी हुई गाजर, इसको आप डाल दें। और आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और इसमें और हम जो ये आधा लीटर दूध लिए थे, इसको ये आधा किलो गाजर भी है, दोनों का मात्रा जो है दूध का और गाजर का एक रहना चाहिए। तो ये दूध को हम गाजर में डाल देंगे। ये आधा लीटर दूध में गाजर का हलवा में डाल दिए हैं। अब इसको हम ढक देंगे, ऐसे मिक्स करके इसको ढक देंगे, जो कि हमारा गाजर जो है सॉफ्ट हो जाए। अब इसको हम ढक दे रहे हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे कि हमारा दूध नहीं सटे कढ़ाई में। चलिए ये हलवा देख ले रहे हैं। ये देखिए हमारा मिल्क जो था वो सारा गाजर में एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। आप गुड़ भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं चीनी इसलिए डाल रही हूँ कि मेरी बेटी गुड़ वाला हलवा नहीं खाती है, इसलिए मैं चीनी डाल रही हूँ। आप गुड़ भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये 1 कटोरी चीनी डाल दिए। और ये 2-4 किशमिश है, किशमिश डाल देंगे। और ये 2 इलायची लिए हैं, इसको हम कूट के डाल देंगे। और ये इलायची भी, 2 इलायची जो लिए थे इसको भी मैं कूट ली हूँ और इसमें डाल देंगे। और इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। चीनी भी हमारी मेल्ट हो गई है और ये हलवा बनकर रेडी है। इस तरह से आप निकाल लें प्लेट में।
आप इस रिपब्लिक डे पर भारत रसोई के द्वारा बनाए गए तरीके से अपने घर पर गाजर का हलवा बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत रसोई की तरफ से मैं अपने सभी दर्शकों को रिपब्लिक डे की बधाई देती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद जय भारत।